धीरा विधानसभा क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिलाएं व उद्घाटन। अपने कांगड़ा जिले के शीतकालीन प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चालाजी और धीरा विधानसभा क्षेत्र में 182 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए, जिसमें धीरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 50 करोड़ रुपए के शिलान्यास व उद्घाटन शामिल है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित बना रही है कि कांगड़ा जिला का शीतकालीन प्रवास केवल एक परंपरा मात्र और राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश के सबसे बड़े जिले का विकास किया जाए। 5 दिनों की अवधि में 350 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन इस बात का प्रमाण है कि सरकार इस जिले के विकास को विशेष प्राथमिकता दे रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि धीरा विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के करोड़ों रुपए की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। महाविद्यालय बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी ताकि क्षेत्र के युवाओं को गुणात्मक शिक्षा मिल सके। जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि नागरिक अस्पताल दरियारा में चिकित्सकों के पद को 9 से बढ़ाकर 14 किया जाएगा और अस्पताल में डिजिटल एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने हमीरपुर में संयुक्त कार्यालय भवन का निर्माण के लिए 150 रुपए करोड़ और नकद भवन धेरा के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आभारी है, जिन्होंने इस राज्य को अपना दूसरा घर माना है।